వచ్చే ఎన్నికల నాటికి తెలంగాణలో బీజేపీని పూర్తి స్థాయిలో బలోపేతం చేస్తామన్నారు అమిత్ షా। బూత్ స్థాయి నుంచి పార్టీ నిర్మాణంపై అంతా దృష్టి పెట్టాలని పిలుపునిచ్చారు। నల్గొండ జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న ఆయన మూడవ రోజు రజాకార్ల ఆగడాలకు సాక్షిభూతంగా నిలిచిన గుండ్రపల్లికి వెళ్లారు। స్థానికులతో మాట్లాడి స్వాతంత్ర కాలం నాటి పరిస్థితుల్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు। నిజాం సర్కార్కు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన నాటి ఘటనలను కళ్ళకు కట్టే ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ను తొలగించారు। जो कि आजादी के लिए एक तीर्थ स्थान समान गांव है, यहाँ आने का मुझे मौका दिया है। मगर तेलंगाना के सभी माताओं भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ कि तेलंगाना की जनता ने ये निष्ठुर रजाकारों के खिलाफ जो संघर्ष किया था देश के लिए, उसको पूरा देश नमन के साथ याद करता है। प्रदर्शनी में चित्र देखे हैं किस प्रकार से माताओं बहनों बच्चों पर निष्ठुर अत्याचार किए गए थे। पूरा देश जब आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से अभी भी विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार को सहन कर रहे थे। यही ये गुंद्रमपल्ली गांव है जहां पर एक साथ 160 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या निष्ठुर रजाकारों ने की थी। तेलंगाना के 3 दिन के दौरे पर हूं। कल प्रेस वार्ता कर रहा था। प्रेस वार्ता में एक पत्रकार ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी अब रजाकारों के जुल्म को याद कर क्या करना चाहती। मैं जानता हूं ये सवाल किसने पूछाया है। ये सवाल कांग्रेस और टीआरएस ने पूछवाया है। मगर मैं प्रेस वार्ता में तो जवाब दिया, आज इस तीर्थ स्थान गुंद्रमपल्ली में भी जवाब देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी रजाकारों के खिलाफ लड़ते हुए तेलुगु वीरों की जितने बूंद रक्त गिरी है, उसके गुना 100 इतने सालों तक इस शहीदों के सम्मान में संघर्ष करती रहेगी। गुंद्रमपल्ली वाले मुझे बताए कि तेलंगाना को आप भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ बनाएंगे क्या? मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे?